दोस्तों, आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश जी माननीय गवर्नर महोदया से मिलने गए थे। उन्होंने राज्य पर जो खनिज संपदा है उसकी लूट की बात कही। हमको तो हंसी आता है जिस पश्चिमी सिंहभूम के बारे में वो कह रहे हैं, जीएसएमडीसी के इसमें, तो हमको तो समझ में नहीं आता है कि दीपक लाल इतना भूल कैसे जाते हैं। अभी विगत जब रघुवर जी की सरकार थी, 5 साल चली, उस दौरान उन्हीं के कैबिनेट के मंत्री श्री सरयू राय जी ने जिस प्रकार से साहा ब्रदर्स का मामला उठाया था और ये एक्सपोज किया था कि वहां किस हद तक भारतीय जनता पार्टी संपोषित जो अवैध रूप से खनन के कार्य होते हैं, लौह अयस्क वहां से चोरी की जाती है, सारी चीजें सामने आ गई थी। अब जब लूट की छूट समाप्त हो गई, अब जब सब जगह अवैध उत्खनन पर रोक लगा दी गई, उस वक्त चूंकि भारतीय जनता पार्टी से संबंधित जो लोग इस पूरे प्रकरण में साथ में रहते हैं उनकी कमाई बंद हो गई, तो तिलमिलाहट तो स्वाभाविक है। तिलमिलाकर जाकर इस तरह की अनर्गल बात करना। उन्होंने एक चीज और कहा कि मैं तथ्यों के साथ आऊंगा। तो आप राज्यपाल महोदया के पास बिना तथ्य के गए थे क्या? उनको जाके दस्तावेज तो आपको दे देना चाहिए था। दस्तावेज यदि आपके पास है तभी तो आप किसी तरह की अनियमितता की बात, अवैध उत्खनन की बात करते हैं। एक अंदाज में सो के उठे, जो याद आ गया उसको बोल दिया, 300 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। अरे भाई, कहां नुकसान हुआ? किस प्रकार से अदानी को इस राज्य में स्थापित किया गया, इस राज्य की खनिज संपदा, इस राज्य की मानव संपदा, इस राज्य के जल संपदा, इस राज्य की भूमि संपदा का उपयोग कर एक निजी कंपनी को विदेश बांग्लादेश में विद्युत आपूर्ति की आपने लाइसेंस देने का काम किया। आपने एनटीपीसी के नाम पर जिस प्रकार पतरातु प्लांट को आपने बर्बाद कर देने का काम किया था, हमको लगता है कि अब पुरानी बातों को उनको याद रखना चाहिए। हाँ, ये बात सच्चाई है, अभी तक साहेबगंज आप लोग चिल्ला रहे थे, जब साहेबगंज में चीजें को बंद कर दी गई, जब साहेबगंज में अवैध उत्खनन बंद हो गया, तो आपके जितने समर्थक लोग वहां पर हैं जो इस धंधे के साथ जुड़े हुए हैं, उन लोगों का तो बहुत स्वाभाविक है, लोग तिलमिलाकर आपके पास दौड़ के आ गए और आप उनकी बातों को लेकर एक नया कहानी बना दें। कहानी यदि बनाना है भारतीय जनता पार्टी के मेरे मित्रों, तो कहानी के पीछे जो आप स्क्रिप्ट लिखते हैं ना, उस स्क्रिप्ट के पीछे कुछ तथ्य रखिए, कुछ बातों को रखिए। 300 करोड़ की लूट किस जगह पर हुई, उसका क्या एविडेंस है, उन बातों को स्पेसिफिक यदि आप कहेंगे तो निश्चित तौर पर सरकार उस पर जांच करवाएगी। लेकिन अनर्गल बातें करके भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। आप जानते हैं कि इस राज्य में खनिज संपदा के कारण सबसे ज्यादा यदि नुकसान किसी को उठाना पड़ा तो यहां के मूल वासी, यहां के आदिवासियों को उठाना पड़ा, उनको अपने जमीन से बेदखल होना पड़ा, बाहर जाने को मजबूर हुए, कूली मजदूर बनकर रह गए, यहां शोषण का दायरा बड़ा से और बड़ा होते गया। उस वक्त आप लोगों को नजर नहीं आता था। आज जब सरकार ने अपने हाथों में चीजों को लेकर चीजों को सही दिशा की ओर ले जाने का काम किया तो आपको छटपटाहट हो रही है। मैं आपको सलाह देता हूं, आपके पास यदि कोई अनियमितता के सबूत है तो उन सबूतों को लाइए
और लाकर सरकार के समक्ष पेश कीजिए। निश्चित तौर पर सरकार आपकी बातों को संज्ञान में लेते हुए उस पर जांच करवाएगी और यदि कोई भी अनियमितता होगी तो उसके पीछे जो भी पदाधिकारी होंगे उनको दंडित किया जाएगा। धन्यवाद।